तो आप सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक या फिर शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें आपके साथ साझा करेंगे जो कि रिसेंट में ही जारी की गई है, जहां पर आप देख लें कि सभी शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के लिए सख्त आदेश जारी, क्या आदेश जारी किया गया है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप देख लें कि सभी शिक्षा मित्र 10 बिंदुओं पर करें पालन, इसके साथ साथ देख लें पूरे प्रदेश में सोमवार की छुट्टी रद्द आदेश जारी, सारी न्यूज आप सभी के साथ कवर करेंगे। ये वीडियो महत्वपूर्ण है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अपडेट खुलकर आ चुकी है आप सभी की स्क्रीन पर, एक नोटिस खुलकर आ चुकी है। ये नोटिस पूरी तरह से ऑफिशियल है, लेकिन ओरिजिनल नोटिस यहां पर आपके सामने मेंशन नहीं है, ये मेरे द्वारा ही कॉपी की गई है। ओरिजिनल नोटिस से शब्दों को यहां पर कॉपी किया गया है, जहां पर कुछ शब्द आपको गलत मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर नोटिस का जो मेन उद्देश्य है वो साफ रहेगा। यहां पर आप देख लें कि मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, दूसरा आप देख लें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त मंडलीय उत्तर प्रदेश के लिए नोटिस जारी की गई है, जहां पर आप देख लें सेवा में समस्त जनपद उत्तर प्रदेश दिनांक 28 अक्टूबर 2022 विषय सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने के संबंध में, यानी कि आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर को आप सभी के विद्यालयों में अवकाश घोषित था, जहां पर अवकाश को निरस्त किया गया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर जिसे यूनिटी रन का नाम दिया जाएगा। यहां पर आप देख लें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में यहां पर देख लें कि यूनिटी रन का आयोजन किया जाएगा। यूनिटी रन में जितने भी छात्र हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार कम दूरी या फिर अधिक दूरी, च्वाइस उनकी रहेगी, वहां पर दौड़ सकते हैं। यह दौड़ विद्यालय में 31 अक्टूबर 2022 को सुबह 7 से 8 बजे शून्य अवधि में हो, संभव हो तो दौड़ के प्रारंभ या अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक, विद्यार्थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय एकता में उनकी भूमिका व योगदान के बारे में बताएं। एकता दौड़ के आयोजन का विद्यालय पत्रिका, वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। संभव हो तो विद्यार्थियों के माता पिता और समुदाय को दौड़ में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। सीमांत क्षेत्र यानी कि दिव्यांग बच्चों सहित के स्ट्रीट चिल्ड्रन को दौड़ में शामिल करने हेतु विशेष प्रयास यहां पर किया जाए, जहां पर आप देख लें इनकी जो फोटो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि रन फॉर यूनिट पर अपलोड किया जाए। ये सारे कार्य उस दिन यहां पर कराए जाने हैं, आप यहां पर देख सकते हैं सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। लेकिन मेन खबर यही है कि आप सभी के जो विद्यालय है वो 31 अक्टूबर को खुले रहेंगे। हालांकि ये जो मेन अपडेट है ये माध्यमिक के लिए थी, ये आज की अपडेट नहीं है, 3 से 4 दिन पहले की ही अपडेट है। इसकी सूचना एक बार पहले भी मैंने दी थी, लेकिन वो वीडियो में एक कंटेंट के रूप में दी थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं सारी चीजें आप सभी के साथ मेंशन कर दिया हूँ। आप यहाँ पर देख लें, किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।